हेलो दोस्तों दोस्तों मुझसे काफ़ी बार ये पूछा जाता था कि ये वाला फ़ंड अच्छा है या ये वाला फ़ंड अच्छा है या इन दोनों में से कौन सा फ़ंड लें। तो इसलिए मैंने अब शुरू किया, काफ़ी फ़ंड्स को मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ एक एक करके। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा मिराए एसेट्स एमर्जिंग ब्लू चिप फ़ंड के साथ कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटीज़ फ़ंड को। तो ये दोनों ही फ़ंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फ़ंड्स हैं और दोनों ही ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इन दोनों फ़ंड्स की क्या है डिटेल्स और इसमें से कौन सा अभी बेटर दिख रहा है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ पे बात करें तो ये दोनों ही फंड्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। तो ये टॉप 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम लॉन्च डेट पे अगर बात करें तो जनवरी 2013 में ये दोनों ही फंड्स लॉन्च हुए थे। अब अगर हम बात करें इनके एसेट साइज़ की, तो मिराए एसेट एमर्जिंग अभी 14,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा हैंडल कर रहा है, वही कैनरा रोबेको 7,200 करोड़ के आसपास पैसा हैंडल कर रहा है। यानी कि मिराए एसेट इमर्जिंग लगभग 2 गुना पैसा हैंडल कर रहा है अगर हम कैनरा और बेको से इसको कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मार्केट कैप के हिसाब से किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर पहले हम बात करें मिराए एसेट इमर्जिंग की, तो मिराए एसेट ने लार्ज कैप में 56% के आसपास, वहीं मिड कैप में 36% और स्मॉल कैप में 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं कैनरा रोबेको ने लार्ज कैप में 46%, मिड कैप में 48% के आसपास, वहीं स्मॉल कैप में 2.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इनकी मार्केट कैप को देख के थोड़ा ये लगता है हमें कि मिराए एसेट एमर्जिंग कंपैरेटिवली थोड़ा कम रिस्क ले रहा है, क्योंकि जो इसकी मार्केट कैप है वो लार्ज कैप में ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कैनरा रोबेको। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये दोनों ही फंड्स की एक्सपेंस रेशियो अभी क्या चल रही है। अब अगर हम इनकी एक्सपेंस रेशियो में देखें तो मिराए एसेट की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75% चल रही है, वहीं कैनरा रोबेको की 0.61% चल रही है। यानी कि मिराए एसेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है अगर हम इसको कैनरा रोबेको से कंपेयर करते हैं। वहीं अगर हम इन दोनों फंड्स को इसकी कैटेगरी एवरेज के एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 1.12% चल रही है। यानी कि ये दोनों ही फंड्स कैटेगरी एवरेज से सस्ते हैं, हालांकि इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो कैनरा रोबेको थोड़ा सस्ता फंड है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनकी रिस्क रेशियो इनके बारे में क्या बता रही है। अगर अब हम बात करें पहले मिराए एसेट की रिस्क रेशियोज पे, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.53, वहीं शार्प इसका चल रहा है रेशियो 0.41 और टर्नर रेशियो इसका 0.08 चल रहा है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको में देखते हैं तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 19.7, वहीं जो इसका शार्प रेशियो है वो 0.25 है और टर्नर रेशियो इसका 0.05 अभी चल रहा है। तो यानी कि दोस्तों, अगर मैं ये रिस्क रेशियो की आपको समरी से समझाऊं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि कितना वॉलेटाइल है एक फंड। तो इन दोनों के कंपेरिजन में मिराए एसेट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल दिखता है, हालांकि शार्प रेशियो और टर्नर रेशियो हमें ये समझाती है कि वो फंड कितनी रिस्क एडजस्टेड बेटर रिटर्न दे पा रहा है। तो मिराए एसेट अगर हम बात करें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेटर दे पा रहा है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल है अगर हम कैनरा रोबेको से इसको कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने मेजर अपना पैसा किन सेक्टर्स में लगाया हुआ है। अब अगर हम सेक्टर्स पे बात करें पहले मिराए एसेट इमर्जिंग की, तो इसने अपना मेजर पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में 34% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 10%, हेल्थ केयर में भी 10% के आसपास, वहीं एनर्जी और FMCG में 7-7.5% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और इसके जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं वो इसका टोटल एलोकेशन का 69% एलोकेशन रखते हैं। अब अगर हम बात करें यहीं पे कैनरा रोबेको के सेक्टर्स की, तो इसने भी अपना मेजर पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 31% के आसपास, वहीं केमिकल सेक्टर में इसने 9%, हेल्थ केयर में 8.5%, टेक्नोलॉजी में भी 8.5%, वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। और ये जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं वो इसके 64% के आसपास की एलोकेशन रखते हैं। अब अगर हम सेक्टर वाइज इनका कंपैरिजन देखते हैं टॉप 5 में, तो 3 सेक्टर्स कॉमन दिखते हैं यहाँ पे, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर इन दोनों के पास है, दोनों का मेजर एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में है, वहीं दोनों के पास टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इनके पास कंपनीज कौन सी है, टॉप 10 कंपनीज अगर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिराए एसेट इमर्जिंग की टॉप 10 कंपनीज देखते हैं, तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना HDFC बैंक में लगाया हुआ है 7.5% के आसपास, वहीं ICICI बैंक में भी 6.5%, उसी तरह एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल में इसने 3-4% के आसपास, और TCS, SBI, मैक्स फाइनेंशियल, वोल्टास और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज इसके टॉप 10 कंपनीज में शुमार है।
और इसका जो टोटल एलोकेशन है टॉप 10 का वो 41% के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम बात करें यहीं पे कैनरा बैंको की, तो कैनरा बैंको का भी सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है वो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे दिख रहा है 5.5% के आसपास, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी हमें दिख रहा है आईसीआईसी बैंक 5% के आसपास। उसी तरह इन्फोसिस, रिलायंस बैंक, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, वोल्टास, मिंडा इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और गुजरात गैस इसके टॉप 10 कंपनीज में शुमार है। और इसका जो टॉप 10 कंपनीज का अगर हम टोटल एलोकेशन देखते हैं तो वो लगभग 37% के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम इन दोनों की टॉप 10 कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो 7 कंपनीज ऐसी हैं जो ये टॉप 10 में दोनों की कॉमन दिख रही है हमें, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और वोल्टास जैसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रही है। तो दोस्तों थोड़ा कंपैरिजन में हमें ये दिख रहा है कि दोनों की जो मेजर टॉप 10 कंपनीज हैं वो काफ़ी सिमिलर है, तो इन दोनों में इन्वेस्ट करना मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं रहेगी उसमें अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक में यहाँ पे यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। अब आइए देख लेते हैं कि टोटल शेयर्स कितने हैं इन दोनों के पोर्टफोलियो में और कॉमन स्टॉक्स कितने हैं। अब अगर हम टोटल स्टॉक्स पे बात करें तो मिराई एसेट इमर्जिंग के टोटल स्टॉक्स यहाँ पे 62 हैं, वहीं कैनरा रोबैको 57 स्टॉक होल्ड करता है। और अगर हम कॉमन स्टॉक्स निकालते हैं तो 22 ऐसे कंपनीज हैं जो इन दोनों के ही पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो मिराई एसेट के जो टोटल शेयर्स हैं उसमें से 51% की जो उसकी एलोकेशन है वो कैनरा रुबैको भी होल्ड करता है, और कैनरा रुबैको की जो कंपनीज हैं उसमें 49% वो कंपनीज हैं जो मिराई एसेट भी होल्ड करता है, यानी 50% जो इनका एसेट एलोकेशन है वो सिमिलर दिखता है। तो दोस्तों इससे मुझे लगता है कि अगर आप कोई एक ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, दोनों ऐड करेंगे तो आपको लगभग 50% तो कंपनीज यहाँ पे सेम ही दिख रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया अगर हमने वन टाइम इन्वेस्ट किया होता 10,000 रुपये। अगर अब हम बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे तो 1 साल में, 2 साल, 3 साल, 5 साल और हम 8 साल का पीरियड यहाँ पे देखते हैं तो लगातार हर पीरियड में मिराई एसेट ने कैनरा रुबैको को आराम से बीट किया है। और अगर आपने 8 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते इन दोनों ही कंपनी में तो मिराई एसेट ने आपको 60,000 के आसपास पैसा दे दिया है, वहीं कैनरा रुबैको 50,000 रुपये आपके लिए बना पाए, यानी कि लगभग 100% की यहाँ पे रिटर्न में डिफरेंस दिखता है अगर हम 8 सालों में बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही फंड्स अच्छा कर रहे हैं, एक नंबर वन पे चल रहा है अगर हम देखते हैं टोटल रिटर्न में 5 सालों में, और एक नंबर टू पे चल रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि SIP इन्वेस्टर्स के लिए इन दोनों ही फंड्स ने कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आपने 1,000 रुपये से शुरुआत की होती तो 1 साल में लगभग दोनों ने सेम ही पैसा बना के दिया है, 2 सालों में भी लगभग सेम दिखता है, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है इनका डिफरेंस थोड़ा बढ़ता है, जैसे कि हम इस चार्ट में भी देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आपने 5 साल पहले SIP कराई होती 1,000 रुपये से, तो मिराई एसेट ने वो आपकी 60,000 रुपये की लागत 1,00,000 रुपये से ऊपर बना दी है, वहीं कैनरा रुबैको ने वो लागत आपकी 95,000 रुपये बना दी है। तो दोस्तों एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ गई है कि रिटर्न के मामले में ये दोनों ही फंड्स अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मिराई एसेट बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है इसके मुकाबले, दोनों ही अच्छा कर रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिस्क रेशियोज देखते हैं तो मिराई एसेट की रिस्क रेशियो थोड़ी बेटर दिख रही है हमें, रिटर्न थोड़ी इससे बेटर दिख रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये भी है कि मिराई एसेट इमर्जिंग में आप 2500 से ज़्यादा की SIP नहीं करा सकते हैं, उसमें एक कैप है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। अगर आप नई SIP करा रहे हैं तो आप 2500 से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उससे ज़्यादा भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कैनरा बैंको की तरफ भी देख सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।